दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटेटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है निर्वाचन आयोग एवं दलीय व्यवस्था। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट ही रखा है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हो रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और हाँ, आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर करते जाना खुद से और लास्ट में बताना खुद से कितने क्वेश्चन सही हुए, उसके बाद फिर से शुरू से क्वेश्चन मिलाने की कोशिश करना। ओके, क्योंकि ये ऑडियो सेशन है तो आपके शेड्यूल कितना भी बिजी रहेगी तो आप इसे सुन सकते हो और अपने जीके जीएस के सेशन को मजबूत कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर सुकुमार सेन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे ध्यान से देखो, राज्य चुनाव आयुक्त है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर, भारत में निर्वाचन सूची की तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग निर्वाचन सूची तैयार करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें भी आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे मैं स्टार मार्क्स करते जाऊंगी, तो आप लोग जरूर उस क्वेश्चन को ज्यादा याद करना, मतलब ज्यादा ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो 1989 में 2 अतिरिक्त नियुक्त किए गए थे निर्वाचन आयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो यहाँ पे इश्यू पूछा जा रहा है तो 1989 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 13, अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिमा वेतन कितना होता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2,25,000। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, कौन थी, सॉरी प्रथम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीएस रमा देवी। और ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, बहुत बार पूछा जा रहा है। बीएस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यों में पंचायत के चुनाव के द्वारा आयोजित किए गए हैं? राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से आंसर करना सीखो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा, मतलब कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बने रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1906। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या होता है या फिर आप लोग फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात किया जा रही है कि कौन हटा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, मतलब बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा, तो कमल। कांग्रेस का क्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताकर बताओ कि कांग्रेस का क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो आजादी के बाद की बात किया जा रहा है, तो 1951 से 52, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2013। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, 23 के नंबर क्वेश्चन में कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयुक्त द्वारा संपादित नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानीय निकाय को। स्थानीय निकाय जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किए जाते। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ बात किया जा रहा है राष्ट्रपति का, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। ओके, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग से उसका सलाह लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 28 कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार के तहत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो ये मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है, तो वयस्क मताधिकार को मान्यता की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन के लिए प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो किसको करती है, तो इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के मतदान के प्रयोग की जाने वाली VVPAT का संस्करण क्या है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, M3, VVPAT का संस्करण M3 है। क्वेश्चन नंबर 33, निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया, 3 सदस्यीय आयोग की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल थे। भारत की प्रथम महिला आयुक्त रमा देवी थी, बिल्कुल थी, और ये दोनों क्वेश्चन ही सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, किस दल ने 2 वर्ष के समय के में 2 प्रधानमंत्री दिए है, कौन सा दल का नाम बताना, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल ने। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे दिवस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 जनवरी। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा दिवस है और बहुत बार पूछे जाने वाले दिवस है, तो उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 वर्ष। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संशोधन के द्वारा और कब किया गया, ये भी कमेंट करके बताओ। तो
मैं जानूंगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो जरूर कमेंट करें। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1977। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एक्ट 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चुनाव कौन कर, मतलब कि वोटिंग कौन करता है, तो लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सरकार के इस कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचुनाव। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत में लोकसभा चुनाव की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 43, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1984। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के विभिन्न राजनीतिक दल में राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है? यदि वह राज्य स्तर का दल है तो कम से कम कितने राज्यों में होगा? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार राज्यों में। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का विलय दूसरे राजनीतिक दलों में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। कम से कम कितने सदस्य सहमत हो, तो 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कम्युनिटी इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय। क्वेश्चन नंबर 49, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? शिवसेना की बात किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2012 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं कि दल बदल विरोधक अधिनियम किस तिथि को आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि 10वां अनुसूची में है, 1985, ये तो सब जानते हैं, लेकिन डेट आपसे पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी हो जाएगा, 15 फरवरी को, 14 फरवरी के एक दिन। अब आगे आप लोग दल बदल समझ जाओ, वैलेंटाइन डे आगे कर दो, 15 फरवरी कैसे भी याद करो 1985। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी होगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट कर देखना, ये सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 1985 को दल बदल विरोधक अधिनियम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके स्थापना के कार्य मतलब के अनुसार करना है कि पहले कौन सी पार्टी आई, फिर कौन सी पार्टी आई, फिर कौन सी पार्टी आई। ओके, तो 52 नंबर में देख लेते कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सबसे पहले तेलुगु देशम आया, फिर बहुजन समाज पार्टी आया, फिर समाजवादी पार्टी आया, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी आया, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का, जिसका मैंने आप लोगों से बात किया था, तो बीजेपी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कि सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
1999, यही सारे क्वेश्चन है कि लास्ट मोमेंट पे आपको मतलब कि मेरिट तक पहुंचा देता है, कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कोई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और ये कुछ को चुनिंदा क्वेश्चन हो यदि आप लोग देख लेते हो और समझ लेते हो तो ये आप लोगों के बहुत ज्यादा मतलब कि नंबर इंक्रीज करने में फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की, भारत में दलहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ, ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको पता होगा, इसका राइट आंसर 1885 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन कौन है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय लोक दल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो आज के क्लास में आप लोगों ने देखा कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग एवं दलीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये कौन से अनुच्छेद में आया, इसके तहत कौन से मतदान की उम्र क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में आप लोग डीपली जानकारी ली है, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, तो थैंक यू।